ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। हम जुलाई 2017 की बात कर रहे हैं। देखिए मीन अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसका जो डिटेल्ड वर्जन है ये मैं पहले सप्ताह में डाल दूंगा, जुलाई के 1 या 2 तारीख को। तो मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अच्छा नहीं रहेगा। फ्रेंकली स्पीकिंग आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी जो आपके लिए परेशानी का सबब साबित हो सकती है। इसलिए मेरी परामर्श है कि आप खर्चों पे कंट्रोल करें। इवन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी आमदनी के रास्ते में रुकावट आ सकती है। इसलिए मैं परामर्श दूंगा कि हाथ को कंट्रोल करके खर्च करें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपको जल्दबाजी किसी भी डिसीजन को लेकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रपोज भी कर रहे हैं तो आप जल्दी मत दिखाइए, टेक योर टाइम, वेट एंड वॉच। दाम्पत्य जीवन का जहाँ तक सवाल है, इवन दाम्पत्य जीवन जो है वहाँ पे आपको जबान पे कंट्रोल रखनी पड़ेगी, नहीं तो काफ़ी उथल पुथल बनी रह सकती है। क्योंकि देखिए फाइनेंस और पैसे कहीं ना कहीं मायने रखते ही हैं, तो उथल पुथल से बचने के लिए प्यार मोहब्बत बड़ा ज़रूरी है। चिड़चिड़ा मत होइएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर देता हूँ। नौकरी करने वाले के लिए अपने सहयोगियों से संबंध मजबूत रखने पड़ेंगे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। इस समय कोई नया व्यापार नहीं शुरू करें मीन राशि वाले, क्योंकि नया व्यापार शुरू करने का यह वक्त नहीं है। रहा आपका हेल्थ का सवाल, तो आप देख ही रहे हैं, जब इतनी सारी चीज़ों का आप झेल रहे हो तो सीधी बात है एक मानसिक थकान रहेगी। तो उस मानसिक थकान को कोशिश आपको ये करनी है कि वो मानसिक थकान आप पे हावी नहीं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।